Hello everyone, I am Adilash Sharma. Now move on the second question, third, that is asked in the ITJ examination, okay? अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या है, ओके? Now here it is given the product of sign. तो in this type of question that is given in already product form, you have to take the pair whose sum is making one. एक ट्रिक याद रखना छोटा सा, वो पेयर लोगे आप, यू हैव टू टेक दैट पेयर इन विच द सम ऑफ एंगल इज मेकिंग द सम पाई. उस एंगल का जो सम आप ले रहे हो, आपकी वैल्यू क्या दे रही है, पाई दे रही है. नाउ टेक द पेयर्स विच इज गिविंग योर वैल्यू पाई, इट विल बी दिस साइन एंड दिस, इट विल बी सेम रिमेन द साइन ऑफ पाई बाय 14, इट विल बी साइन ऑफ 3 पाई बाय 14 एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड एज साइन ऑफ पाई माइनस, इट विल बी ऑल्सो सेम एंड इट विल बी साइन ऑफ पाई बाई 2. दिस टर्म हैज़ बिन गिवन टू कन्फ्यूज यू, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. एंड दिस टर्म विल बी कन्वर्टेड एज साइन ऑफ पाई माइनस, ओके, 5 पाई बाय 14, अगेन इट विल बी साइन ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 14 एंड इट विल बी साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 14, ओके. नाउ सिंस यू नो वेरी वेल दैट साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन राइट इट एज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 14, इट विल बी साइन ऑफ 3 पाई बाय 14, इट विल बी 1, इट विल बी साइन ऑफ 5 पाई बाय 14, ओके, एंड दिस वैल्यू विल बी व्हाट, 1, अगेन इट विल बी साइन ऑफ 5 पाई बाय 14, इट विल बी साइन 3 पाई बाय 14 एंड द लास्ट वन विल बी साइन ऑफ पाई बाय 14. नाउ लुक एट दिस टर्म्स दैट यू विल फाइंड ऑल दिस थ्री टर्म्स आर अकरिंग टू टाइम्स, सो यू मे राइट इट एज साइन ऑफ पाई बाय 14, साइन ऑफ 3 पाई बाय 14, साइन ऑफ 5 पाई बाय 14 टू द पावर 2, क्लियर. नाउ आफ्टर दिस यू विल हैव टू कन्वर्ट इन इट इन टू कॉस, हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इट विल बी कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14 एंड इट विल बी कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14 होल टू द पावर 2. बिकॉज यू नो द आइडेंटिटी कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा दिस, ओके. नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट दैट पाई बाय 2 माइनस पाई 14 इट विल बी एलसीएम 7 एंड 7 विल बी, इट विल बी 7 पाई माइनस पाई 6 पाई, इट विल बी 3 पाई बाय 14 विथ कॉस एंड इट विल बी कॉस ऑफ 7 पाई माइनस 3 पाई 4 पाई, इट विल बी 2 पाई बाय 14, इट विल बी कॉस ऑफ पाई बाय 14 होल टू द पावर 2 एंड आफ्टर अरेंजिंग यू विल गेट कॉस ऑफ पाई बाय 14 कॉस ऑफ 2 पाई बाय, सॉरी इट विल बी 2 पाई बाय 7 नॉट 14, 2 विल बी ऑलरेडी कैंसिल आउट, ओके, बिकॉज 2 टाइम्स विल बी कैंसिल आउट, ओके. तो कॉस ऑफ पाई बाय 7 2 पाई बाय 7 एंड द थर्ड टर्म विल बी ऑल्सो कॉस ऑफ 3 पाई बाय 7 होल टू द पावर 2. Now one most important thing, in this term it does not have any identity, यहाँ पर कोई identity नहीं बनाना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा. तो क्या करोगे आप, it will be multiplied by sin of pi by 7 and divided by 2 sin of pi by 7. Now these two terms will make the identity, that is why which identity you will this make, the sin of a into cos of b, it is sin of a plus b
प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है जी, अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करोगे आप तो सेम वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल रिजल्ट यू जीरो एंड ओनली विल रिमेन द साइन टर्म्स, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, ओके इट इज़ इन द कॉस एंड बोथ टर्म्स विल गिव यू रिजल्ट इन द साइन। नाउ इट विल बी वन अपॉन टू साइन पाई बाई सेवन, दिस टर्म विल रिमेन सेम ओके, एंड दिस टर्म विल बी कॉस ऑफ 2 pi by 7, again it will be sin, oh sorry, and next is cos of 2 pi by 7, and the third term is cos of, it may be written as pi minus 4 pi by 7 whole to the power 2. Now if we see, again if we multiply this by 2 and this 2, these both terms are making identity. Similarly, it will be 1 by of 4 of sine of pi by 7, okay, and this term will be sine of 4 pi by 7. Sine of 4 pi by 7, it will be cos of 4 pi by 7 whole to the power 2. Again, these two terms are making identity. Similarly, you can multiply and divide again by 2. Okay, so now it will be 1 upon 8 of sine pi by 7. Okay, and this value will make sine of 8 pi by 7 whole to the power 2. Okay, now look at this, it will be 1 upon 8 pi by 7. 1 upon 8 sine of pi by 7, and this term will be written as sine of pi plus pi by 7 whole to the power 2. Okay, and we are going to raise the first line. The first line we raise kar raha main, haan ji, to ye ho jayega aapka, it will be this term equals to 1 upon 8 of sine of pi by 7, and it will be sine 180 plus theta is minus of sine pi by 7 whole to the power 2, because you will use the identity sine of pi plus theta is minus of sine theta. Okay ji, haan, yahan pe dekho, sine will be cancelled out and you will get the value minus 1 by 8 to the power 2, it will be 1 by 64 is your final answer. Okay, this was the third question. Okay, thank you very much.